नेपाल दुनिया की ऐसी जगह जहाँ की साफ हवा, मीठा पानी, सुनहरा मौसम और बेस्ट एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा। और उसी नेपाल की एक जगह है पोखरा, जो कि नेपाल की टॉप अट्रैक्शंस में से एक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल एंड वेलकम टू अनुज बकेट। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नेपाल की एक सिटी पोखरा के बारे में। जी हाँ, पोखरा नेपाल की कैपिटल सिटी काठमांडू के बाद सबसे मशहूर सिटी है पोखरा। और पोखरा ही वो जगह है जहाँ पे आपको काठमांडू के बाद सबसे ज्यादा टूरिस्ट दिखेंगे नेपाल में। पोखरा के एडवेंचर स्पोर्ट्स, पोखरा का फीबा लेक, यहाँ की मार्केट और यहाँ का हर एक टूरिस्टिक स्पॉट आपका मन जरूर मोह लेगा। इसलिए अगर आप नेपाल घूमने आ रहे हैं तो पोखरा जरूर घूमें। इसी वजह से आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पोखरा की सबसे बड़ी टॉप अट्रैक्शन कौन कौन सी है, उनको कैसे घूमा जाए, वहाँ जाने की टिकट कितने की है, वहाँ कैसे पहुँचे और एक या दो दिन में आप पूरा पोखरा कैसे घूमेंगे। तो हमारी वीडियो एंड तक देखना, और यदि आप नहीं है तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बस दबाइए लाल बटन और उसके बाद दबाइए घंटे का निशान। नंबर एक, फीबा लेक। तो गाइस, हमारी अगली जगह है पोखरा का सबसे इम्पोर्टेंट जगह, वो है पोखरा का फीबा लेक। नेपाल का सबसे सुंदर लेक अगर पोखरा का फीबा लेक बोला जाए तो गलत नहीं होगा। इस लेक आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, बोटिंग से लेके जेटस्की से लेके, इसी लेक के पास पैराग्लाइडिंग, और इसी लेक से आप ट्रैकिंग करते हुए ऊपर जा सकते हैं और देख सकते हैं वर्ल्ड पीस पकौड़ा, जो कि एक स्तूपा है वर्ल्ड पीस के लिए बनाया गया। और इस लेक का लेक व्यू लेके अगर होटल रेस्टोरेंट मिल जाए तो बात ही कुछ और है। इसलिए अगर पोखरा आए तो फीबा लेक जरूर 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 देखें। फीबा लेक नेपाल का सेकंड लार्जेस्ट लेक है, जो कि नेपाल के सबसे पॉपुलर लेक में से एक है। ये सेमी नेचुरल फ्रेश वाटर लेक रानीबाग के बीचों बीच बसा है, जिसमें आपको अन्नपूर्णा पहाड़ी और धौलागिरी पहाड़ी का बहुत ही सुंदर रिफ्लेक्शन भी देखने को मिलेगा। पोखरा आने के बाद बस एक बोट हायर करें और घूमने निकल पड़े फीबा लेक, क्योंकि इस फीबा लेक से जो नेपाल की पहाड़ियों का नजारा मिलता है वो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा सनसेट जो कि आप सिर्फ सपनों में या फिर ड्राइंग की बुक्स में ही देखा करते हैं, वो नजारा आपको देखने को मिलेगा फीबा लेक में। फीबा लेक घूमने का सबसे सही समय है दिन के समय, और यहाँ पर आपको 1 से 1.5 घंटे की बोटिंग जरूर करनी चाहिए। फीबा लेक पूरे दिन खुला होता है और इसे देखने की कोई फीस नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे, जिसके पैसे बोट के हिसाब से डिपेंड करते हैं। नंबर दो, डेवीज फॉल्स। गाइस, हमारी अगली जगह जो कि आपको पोखरा नेपाल में जरूर घूमनी है, वो है डेवीज वाटरफॉल। मेरे पीछे डेवीज वाटरफॉल की एंट्री है। ये एक बहुत ही सुपर नेचर वाटरफॉल है। ये 500 फीट लंबा वाटरफॉल, जब इसका पानी नीचे गिरता है तो जमीन के अंदर उसने बहुत ही लंबी और बहुत ही गहरी गुफा बना दी है। बहुत ही बड़ा टूरिस्ट पार्क की तरह बना दिया गया है, और उसी के साथ आप यहाँ का डेवीज वाटरफॉल देख सकते हैं। कहते हैं डेवीज वाटरफॉल का जो पानी है वो यहाँ के गुप्तेश्वर महादेव गुफाओं तक जाता है और वहाँ जाके लुप्त हो जाता है। तो इसलिए डेवीज वाटरफॉल के बिल्कुल सामने गुप्तेश्वर महादेव की गुफाएं भी जरूर घूमें। गुप्तेश्वर महादेव केव्स में जिस फॉल से पानी आता है उस फॉल का नाम है देवीज फॉल, जिसे हम पाताले चोंगा के नाम से भी जानते हैं, जिसका लिटरल मतलब होता है जमीन के अंदर का वाटरफॉल। वाटरफॉल लवर्स के लिए पोखरा का देवीज वाटरफॉल सबसे बेस्ट जगह है घूमने के लिए। चमकीला नीला पानी जब जमीन के नीचे की चट्टानों से जमीन के अंदर जाता है तो वो दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है। जमीन के नीचे का 500 फुट लंबा वाटरफॉल शायद आपने कहीं नहीं देखा होगा, वो वाटरफॉल आप देख सकते हैं सिर्फ देवीज वाटरफॉल पे। देवीज वाटरफॉल की एंट्री टिकट लेने के बाद अंदर जाने पे आपको वाटरफॉल के साथ साथ बहुत सारी और भी जगहें देखने को मिलेंगी, जिसमें डेवीज वाटरफॉल के चारों तरफ आपको बहुत ही सुंदर फ्लोरा एंड फौना भी मिलेगा। डेवीज वाटरफॉल की टाइमिंग है सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, और यहाँ की एंट्री फीस है 100 नेपाली रुपीज सबके लिए। नंबर तीन, गुप्तेश्वर महादेव केव्स। ये है हमारी अगली जगह, इस जगह का नाम है गुप्तेश्वर महादेव केव्स। पोखरा में गुप्तेश्वर महादेव केव्स एक बहुत ही मशहूर जगह है, सारे टूरिस्ट यहाँ पे एक ना एक बार जरूर आते हैं। माना जाता है कि 16वीं सदी में ये केव्स बने थे, और बट इनको डिस्कवर अभी रिसेंटली 1991 में ही किया गया है। जब एक आदमी घास काटने चढ़ा तब उस आदमी को यहाँ पर केव्स दिखे, और केव्स के अंदर बहुत सारे भगवानों की प्रतिमाएं दिखी, जैसे महादेव जी की, सरस्वती जी की, गुप्तेश्वर जी की और नागेश्वर जी की। इस केव्स के अंदर देवी फॉल्स का पानी आता है। जी हाँ, देवी फॉल्स जो एक और बहुत फेमस जगह है पोखरा की विजिट करने के लिए, उस फॉल्स का पानी इन्हीं गुप्तेश्वर महादेव केव से होते हुए जाता है, इसलिए पोखरा की बहुत ही बड़ी अट्रैक्शन है। और इसी अट्रैक्शन के पास आपको बहुत सारी सोविनियर शॉप्स भी मिलेंगी। जब आप अपनी एंट्री टिकट लेके अंदर जाएंगे तब आप एक बहुत ही सुंदर नजारा देखेंगे। गुप्तेश्वर महादेव केव पोखरा के डेवीज फॉल के बगल में है, जो कि पोखरा का सबसे एक्सीलेंट आर्किटेक्चर माना जाता है। पोखरा की टॉप प्लेसेस टू विजिट में अगर आप गुप्तेश्वर महादेव केव छोड़ देते हैं तो इसका मतलब आपने पोखरा की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह छोड़ दी। जब भी आप ये केव्स घूमने जाएंगे तो सबसे पहले आपको स्पाइरल फॉर्म में दी गई सीढ़ियों से उतरकर केव के मुंह तक जाना पड़ेगा, जिसके बाद आप जमीन के काफी अंदर जाते हुए देखेंगे शिव जी का एक भव्य मंदिर, जिसके और अंदर जाकर आप गुफाओं से निकल पहुंच जाएंगे डेवीज फॉल के वाटरफॉल की तरफ। जी हाँ, डेवीज वाटरफॉल का जो पानी गिर रहा है वो गुप्तेश्वर महादेव केव्स की तरफ ही आता है, और यहाँ से आने के बाद ये पानी कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। गुप्तेश्वर महादेव केव्स पोखरा की उन जगहों में से है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी। गुप्तेश्वर महादेव केव्स की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे
बजे तक और यहाँ की एंट्री फीस है 100 नेपाली रुपीज सबके लिए। नंबर 4 महिंद्रा गुफा। गाइस ये है हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसका नाम है महिंद्रा केव और ये मैं इसकी एंट्रेंस पे खड़ी हूँ। ये केव 1950s में नेपाल के अंदर डिस्कवर हुई थी और ये यहाँ की सती रिवर के पास लोकेट है ये केव। जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आप इसके अंदर जो केव देखेंगे वो पूरी लाइमस्टोन की केव होगी। टूरिस्टों को दिक्कत ना हो इसलिए अंदर आर्टिफिशियल लाइट लगी हुई है। अगर वो लाइट्स नहीं होंगी तो आप अंदर नहीं चल पाएंगे। पोखरा की सबसे फेमस गुफाओं में से एक है महिंद्रा गुफा, जहां शायद आपको टॉर्च लेके जाना पड़ेगा क्योंकि ये गुफाएं इतनी गहरी हैं कि यहां पे सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। महिंद्रा गुफाओं के अंधेरी गुफाओं के अंदर अगर आप फ्लैश लाइट के साथ फोटो खींचते हैं तो आपकी बहुत ही अमेजिंग फोटोज आएंगी। जिन भी टूरिस्ट को एडवेंचर पसंद है उन्हें महिंद्रा गुफा जरूर पसंद आएगी। इन गुफाओं में चलते चलते हो सकता है कि आप जरूर थक जाएं लेकिन ये थकावट आपको वर्थ इट लगेगी। महिंद्रा गुफाओं की टाइमिंग है 7 बजे से लेकर 6 बजे तक और यहां की एंट्री फीस है इंडियंस के लिए 80 नेपाली रुपीज और बाकियों के लिए 150 नेपाली रुपीज। नंबर 5 वर्ल्ड पीस पकौड़ा। गाइस हमारी अगली जगह है ये वर्ल्ड पीस पकौड़ा। भाई वर्ल्ड पीस पकौड़ा वो स्तूपाज हैं जो कि वर्ल्ड पीस के लिए बनवाए गए थे और जापान के एक बहुत ही बड़ी बुद्धिज्म फॉलो करने वालों ने ट्राई किया कि पूरे वर्ल्ड में 100 वर्ल्ड पीस पकौड़ा बनाए और उन्हीं में से एक है ये जगह। पोखरा के एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ की चोटी पे बसा है वर्ल्ड पीस पकौड़ा जिसे हम पोखरा शांति स्तूपा के नाम से भी जानते हैं। ऐसा कहते हैं कि इस जगह पे इतनी शांति है कि आप अपनी सांसों की आवाज भी सुन सकते हैं। वर्ल्ड पीस पकौड़ा पहुंचने के 2 रास्ते हैं जिसमें से सबसे पहला रास्ता है फीबा लेक से बोटिंग करते हुए आना और वर्ल्ड पीस पकौड़ा की पहाड़ी के नीचे उतरना, जिसके बाद आप तकरीबन 500 सीढ़ियां चढ़ के वर्ल्ड पीस पकौड़ा पहुंच सकते हैं। दूसरा रास्ता है गाड़ी से आना, आप अपनी गाड़ी या स्कूटी से लंबे रास्ते के थ्रू भी वर्ल्ड पीस पकौड़ा पहुंच सकते हैं, जहां से सिर्फ 5 मिनट की वॉकिंग करके आप पोखरा शांति स्तूपा पहुंच जाएंगे। वर्ल्ड पीस पकौड़ा की टाइमिंग है 5 बजे से लेकर 6 बजे तक और यहां आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 6 पुम्दीकोट शिव मंदिर। तो गाइस ये है हमारी अगली जगह, इस जगह का नाम है पुम्दीकोट भूमेश्वर शिव टेंपल। नेपाल की सिटी पोखरा से तकरीबन 13 किलोमीटर की दूरी पर है ये टेंपल और इस टेंपल की लोकेशन पोखरा की सबसे बेस्ट लोकेशन में से है। पोखरा के जिस हिल पे स्टैच्यू लोकेटेड है इस हिल से आपको पोखरा का एक पूरा स्काईलाइन व्यू दिखेगा और यहां से आपको पूरी की पूरी पोखरा वैली भी दिखेगी। पुम्दीकोट का शिव जी का स्टैच्यू पोखरा की एक बहुत ही बड़ी अट्रैक्शन है जो की है साउथ पोखरा में। नेपाल का सबसे बड़ा शिव स्टैच्यू है पुम्दीकोट शिव स्टैच्यू जो की समुद्र तट से तकरीबन 1500 मीटर की ऊंचाई पर है। ऐसा माना जाता है कि यह स्टैच्यू बनाया गया था मथुरा में और उसके बाद ये यहाँ पर लाया गया। पुम्दीकोट शिव स्टैच्यू की हाइट है 108 फीट और नेपाल जहाँ पे 90% हिंदू बसते हैं उन लोगों के लिए ये जगह बहुत ही पवित्र मानी गई है। पुम्दीकोट शिव स्टैच्यू से पोखरा का एक बहुत ही बढ़िया स्काईलाइन व्यू भी दिखता है। अगर आप पोखरा की असली खूबसूरती देखना चाहते हैं तो आप पुम्दीकोट शिव स्टैच्यू जरूर देखने आए क्योंकि इसी जगह से पोखरा का सबसे फेमस फीबा लेक भी साफ साफ दिखता है। पुम्दीकोट शिव स्टैच्यू की टाइमिंग है 6 बजे से लेके 5:30 बजे तक की और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 7 सारंगकोट। गाइस हमारी अगली जगह है ये, इस जगह का नाम है सारंगकोट व्यू पॉइंट। जी हाँ, सारंगकोट व्यू पॉइंट से पूरा का पूरा पोखरा दिखता है, पूरा वर्ल्ड आई व्यू दिखता है, पूरा का पोखरा लेक जो फीबा लेक है वो पूरा दिखता है और दिखता है ये बेहतरीन नजारा। ये नजारा अभी पूरी तरह विजिबल नहीं है क्योंकि अभी बारिश हो रही है और बादलों ने पूरा ढक रखा है, लेकिन यहाँ से पूरी हिमालयन रेंजेस दिखती है और दिखता है पूरा पोखरा। सारंगकोट पोखरा के आउटस्कर्ट्स में बसा एक छोटा सा विलेज है जो कि फेमस हुआ है अपने बेहतरीन नजारों की वजह से। सारंगकोट आपको एक ब्रेथ टेकिंग और सुंदर व्यू देता है अन्नपूर्णा और धौलागिरी पहाड़ों का। समुद्र तट से तकरीबन 1600 मीटर की ऊंचाई पे बसा है सारंगकोट और ये जगह पोखरा के एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करने के लिए भी सबसे बेस्ट जगह है। यहाँ पर आपको पैराग्लाइडिंग, पैरामोटरिंग, जिप लाइन और ऐसे बहुत सारे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करने को भी मिलेंगे। सारंगकोट में दुनिया की सबसे फास्टेस्ट जिप लाइन भी आपको करने को मिलेगी। अगर आप नेपाल में एडवेंचर ढूंढ रहे हैं तो सारंगकोट ही वो जगह है। सारंगकोट पूरे दिन खुला होता है लेकिन यहाँ आने का बेस्ट समय होगा दिन के समय और सारंगकोट की एंट्री बिल्कुल फ्री है। नंबर 8 विद्यावासिनी मंदिर। गाइस अब हम हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं जिसका नाम है विद्यावासिनी टेंपल। विद्यावासिनी टेंपल में आप जैसे ही एंटर करेंगे आपको सबसे पहले ही मेन दरवाजे पर दर्शन होंगे हनुमान जी के। उसके साथ में आपको उल्टे हाथ पे यहाँ पे मिलेंगे आपको गणेश जी का मंदिर। फिर उसके बाद आपको विद्यावासिनी माता जी का मंदिर होगा जहां पर आप उनके साक्षात अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। पोखरा का सबसे पुराने मंदिरों में से एक है विद्यावासिनी मंदिर। ये टेंपल डेडिकेटेड है माँ विद्यावासिनी के लिए जो कि माँ काली का एक स्वरूप मानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि 18वीं सदी में इस मंदिर को बनवाया था राजा पृथ्वी नारायण शाह जी ने और आज के दिन ये मंदिर पोखरा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस सिग्निफिकेंस होल्ड करता है। पोखरा के आउटस्कर्ट्स में एक हिल टॉप पे बसा है विद्यावासिनी मंदिर जहां से आपको हिमालयन रेंजेस का एक बहुत
बहुत ही सुंदर व्यू भी देखने को मिलेगा। विद्यावासिनी मंदिर की टाइमिंग है सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 9 पोखरा मार्केट। तो गाइस हमारी अगली जगह जो है वो है पोखरा की ये मार्केट। जी हाँ, पोखरा का सबसे बड़ा लेक है फीवा लेक और उसी के दो जगह पे दो पार्ट में मार्केट लगती है और वो दो पार्ट है सेंट्रल लेक साइड और नॉर्थ लेक साइड। हम जहाँ पर अभी है वो है सेंट्रल लेक साइड, यही एक्चुअली इसका मेन हब है। सबसे बढ़िया होटल, सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट, सबसे बढ़िया कैफे और सबसे बढ़िया शॉपिंग करने की जगह आपको इसी पोखरा मार्केट में मिलेगी। और अगर आप सेंट्रल लेक साइड में अपना होटल लेते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि होटल से निकलते ही कभी भी रात को, शाम को, दोपहर को या फिर अर्ली मॉर्निंग आप पूरी मार्केट पैदल घूम सकते हैं। ये सबसे बढ़िया पार्ट है इसका, मतलब चाहे आप गोवा जाओ, चाहे बैंकॉक, चाहे थाईलैंड, वहाँ पे जैसे आपको मेन स्ट्रीट पे पैदल घूमते हो वैसे नेपाल के पोखरा में मेन स्ट्रीट पर पैदल घूम सकते हो। पोखरा नेपाल की सेकंड मोस्ट पॉपुलर सिटी है, यानी कि नेपाल की कैपिटल सिटी काठमांडू के बाद दूसरे नंबर पे आता है पोखरा सिटी। नेपाल में पोखरा सिटी पूरे साल बहुत सारे टूरिस्ट विजिट करते हैं। अगर आप नेपाल में एक लेजर ट्रिप मारना चाहते हैं तो पोखरा सिटी आपके लिए बेस्ट जगह है घूमने के लिए। पोखरा में सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ के अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक, जो कि नेपाल टूरिज्म के द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया गया है। इसलिए पोखरा की मार्केट बहुत ही विशाल और बहुत ही ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट करती है पूरे साल। अगर आप नेपाल से कुछ खरीदना चाहते हैं तो काठमांडू से ज्यादा सस्ता आपको इस पोखरा मार्केट में मिलेगा। पोखरा की सबसे मेन मार्केट में पैदल घूमना और शॉपिंग करना आप दो जगहों पे कर सकते हैं। पोखरा मार्केट खुली होती है सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 10 बैगनस ताल। बैगनस ताल या फिर बैगनस लेक नेपाल का तीसरा सबसे बड़ा लेक है। इस ताल को एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप का और सुंदर वादियों के व्यू का आशीर्वाद मिला हुआ है। पोखरा में बैगनस ताल एक बहुत ही पॉपुलर जगह है घूमने के लिए फीवा लेक के बाद। जी हाँ, फीवा लेक के जितना यहाँ भीड़ तो नहीं होती, लेकिन अगर आपको शांति पसंद है तो आप इस जगह आ सकते हैं। इस लेक के एक तरफ खुदी कोला डैम बना हुआ है जो कि पानी का लेवल रेगुलेट करता है। इसी लेक से आसपास के इलाके में सिंचाई और खेती का पानी भी सप्लाई होता है। इस लेक पे बोटिंग करते हुए आपको नेपाल की फेमस हिमालयन रेंजेस को देखने का मौका भी मिलेगा। बैगनस ताल पूरे दिन खुला होता है और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 11 रूपा ताल लेक। रूपा ताल लेक फ्रेश वाटर का एक बहुत ही सुंदर लेक है जो कि पड़ता है नेपाल की कास्की डिस्ट्रिक्ट में, जो कि पोखरा के आउटस्कर्ट में पड़ती है। ये लेक इतना सुंदर है कि इसे कुदरत का करिश्मा भी कहा जाता है। रूपा लेक या फिर रूपा ताल समुद्र तट से तकरीबन 600 मीटर की ऊंचाई पे है, जो कि 1.35 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। इस लेक की मैक्सिमम गहराई 3 मीटर से लेकर 6 मीटर तक है। रूपा ताल में आप काफी सारी एक्टिविटी कर सकते हैं जैसे यहाँ की बोटिंग, और इंजॉय कर सकते हैं इस ताल से दिखने वाला एक अमेजिंग लैंडस्केप व्यू। रूपा ताल पूरे दिन खुला होता है और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 12 हैंगिंग ब्रिज। गाइस ये है हमारी अगली जगह, इस जगह का नाम है हैंगिंग ब्रिज। जी हाँ, पोखरा का सबसे लंबा ब्रिज है ये, जो कि जोड़ता है पोखरा के दो टाउनों को। 500 मीटर से ज्यादा लंबा ये ब्रिज पोखरा की एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, जिसको बहुत सारे लोग तो नहीं जानते, लेकिन यहाँ पर आने के बाद यहाँ का व्यू लेकर आपको पता चल जाएगा क्यों ये हमारी लिस्ट में इंक्लूड की गई। जब भी आप पोखरा की विद्यावासिनी मंदिर आएंगे उससे थोड़ी आगे जाकर ही आपको ये ब्रिज दिखेगा, तो 15 मिनट स्पेंड करने के लिए इस ब्रिज पे जरूर आए। नेपाल की पोखरा सिटी में आपको एक सिंगल हैंगिंग ब्रिज भी मिलेगा, जिसे एक सस्पेंशन केबल हैंगिंग ब्रिज भी बोला जाता है, जो कि 2016 में बनवाया गया था। इस हैंगिंग ब्रिज के बीचों बीच जाकर यहाँ के नजारे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ये जगह दामसादी विलेज और पोखरा वैली को कनेक्ट करती है। इस हैंगिंग ब्रिज की लंबाई है तकरीबन 276 मीटर और ये जगह जमीन से 90 मीटर की ऊंचाई पे टंगी हुई है। ये हैंगिंग ब्रिज वेट ले सकता है 85 मैट्रिक टन का। हैंगिंग ब्रिज पूरे दिन खुला होता है और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 13 इंटरनेशनल माउंटेन म्यूजियम। जिन लोगों को पहाड़ पसंद है और पहाड़ों की ट्रैकिंग पसंद है, उन्हें इंटरनेशनल माउंटेन म्यूजियम बहुत पसंद आएगा। पोखरा में स्थित इस म्यूजियम में आप देख सकते हैं बहुत बड़ा कलेक्शन माउंटेन आर्टिफैक्ट्स का। जो लोग माउंटेन ट्रैकिंग या माउंटेनिंग करना चाहते हैं, उनके गियर्स, उनकी स्टोरी और उनके फोटोग्राफ्स, सब कुछ आपको इस म्यूजियम में देखने को मिलेगा। ये जगह एस्टैब्लिश की गई थी नेपाल माउंटेनिंग एसोसिएशन द्वारा नवंबर 1, 1973 को, जो कि पब्लिक के लिए ऑफिशियली खोली गई फरवरी 5, 2004 में। इस जगह पे आपको माउंटेन की हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, माउंटेनिंग की एवोल्यूशन, डेवलपमेंट और लेजेंडरी अचीवमेंट्स के बारे में जानने को मिलेगा। यहाँ पे उन लोगों की जानकारी भी आपको मिलेगी जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों की चढ़ाई की है। इंटरनेशनल माउंटेन म्यूजियम की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और इस जगह की एंट्री फीस है इंडियंस के लिए 200 नेपाली रुपए और बाकियों के लिए 400 नेपाली रुपए। इन सारी जगहों की एग्जैक्ट लोकेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल मैप्स की लिस्ट की लिंक में मिल जाएगी, तो उस लिंक को क्लिक करें और जाके देखें इन सारी जगहों की एग्जैक्ट लोकेशन गूगल मैप्स पे। तो गाइस ये थी पोखरा की टॉप प्लेसेस टू विजिट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक दबाएं, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कोई सवाल है तो कमेंट में लिखें। हम अपने कमेंट में लिखे हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं, और इसके बाद भी सवाल रह जाए तो हर सैटरडे होने वाला हमारा लाइव सेशन जरूर अटेंड करें, उसमें भी हम फेस टू फेस आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। इसी के साथ साथ हमने टॉप प्लेसेस टू विजिट इन होल नेपाल और पूरी नेपाल की गाइड भी बना रखी है, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और यदि आपको लगता है कि वीडियो किसी के काम आई है तो शेयर जरूर करें या फिर हमारा ज्वाइन बटन या थैंक्स बटन क्लिक करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं।
सकते हैं या फिर डाउनलोड करें हमारे अनुज बकेट की ऐप। सो इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन, बी वेल, नमस्ते। चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो बटन